खुला हुआ था इधर, इसके अंदर एक छोटा पर्स था, दो पर्स थे। ये ऐसे खुला हुआ था, ये ऐसे खुला हुआ पड़ा था, ऐसे खुला हुआ पड़ा। मेरी पैंट पड़ी हुई थी, ये चूंकि ओपन है। ठीक है, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब इनके आपके पर्स में थे वो तो। हाँ, मेरे बाबू जी के पर्स में जो है वो पैसे वगैरह, और उनका तो सेफ है। जी जी जी, लेकिन मेरा एटीएम है और ये यहाँ पर तो लेडीज पर्स था और वो उसकी चेन खुली हुई थी, यहाँ से खोद कर आ जाएगी। यही अनुमान तो यही लगाएंगे अपन, जब यहाँ चीजें नीचे से यहाँ कैसे, ये सब चीजें क्या है कि पर्स यहाँ था और पेन सब यहाँ। कौन से पर्स में चला गया था? मेरा लेदर का पर्स था। अच्छा, हाँ वो तो पर्स ही चला गया ना, उसमें सब डिटेल है। मैं 4,500 रुपये करीब थे और वाइफ के पर्स में करीब लगभग 2,000 रुपये करीब वाइफ के पर्स में। और मेरा एटीएम कार्ड और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, उसमें सब चीज़ें, मेरा एक प्रेस का भी कार्ड। यहाँ कैसे ये लोकेशन ले सकते हैं? यहाँ भी एक लेडीज पर टंगा हुआ था, यहाँ पर व्हाइट कलर का, वो आपका था? हमें पता नहीं किसका है वो। पुलिस वाले आए थे, इन्वेस्टिगेशन करके गए, उसके अंदर कुछ चांदी के वो। किसी पे शक आपको? शक तो सर किसी पे भी नहीं है, क्योंकि अपन तो बिल्कुल नए हैं, लोन है इस चीज से, है ना। लेकिन क्या ये मेन दरवाजा बंद था? सासू माँ का रहती है, ऊपर वाला खुला हुआ है, वो यही रहते हैं। वो जनरली क्या है, किसे बता दो आप कि यहाँ से आए थे? यहाँ से जो है ये रास्ता ओपन है, यहाँ पर कोई लॉक नहीं है, और लॉक नहीं क्योंकि पुराना मकान है, अंडर टाइप है, कोई ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से ही ये ओपन है पूरा, अंदर से दरवाजा बंद था, यहाँ से ओपन है। आप एक बार आप अलमारी से भी कुछ निकला था? भैया नहीं, वो तो सही है, इसे भी किस जगह टाँगी थी पेंट? यहाँ पर टाँगी पेंट, उसके ऊपर शर्ट थी, बैग यहाँ रखा हुआ था, वही तो यहाँ बैग रखा हुआ था, लेडीज पर्स यहाँ रखा हुआ था। क्या क्या पड़ा था बैग में? बैग में क्या क्या था भैया? मेरे पर्स के अंदर लगभग 38,000 रुपये थे। यहाँ मेरा ससुराल है जॉन्सगंज में, यहाँ मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर वाइफ को लेने के लिए आया था। कल जो है परसों हम रेल उद्यान घूमने के लिए गए थे, और वहाँ से जैसे हम घूम करके आए तो भोजन वोजन करके और हम लोग रेस्ट में चले गए। तो मेरी जींस में मेरा पर्स था, पर्स के अंदर आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और ये जो मेरे अन्य जो आईडी प्रूफ वगैरह हैं, ये सब मेरे उसके अंदर मौजूद थे, फ़ोटो वगैरह, और लगभग 38,000 रुपये की राशि उसके अंदर पर्स के अंदर थी। और लेफ्ट वाली जेब में मेरे 4,500 रुपये है करीब, वो थे मेरे जो छोटे मोटे खर्च के लिए हमने रख रखे थे। और वाइफ का जो पर्स था, उस पर्स के अंदर भी 1,500 से 2,000 रुपये उनके महिला के हिसाब से उनके पास थे। जब रात्रि में लेट आए तो सुबह हम थोड़ा लेट उठे, 7 बजे करीब हम लोग उठे, हमने देखा कि भाई क्या आए, थोड़ा देखा भाई क्या, उन्होंने कहा पानी की प्रॉब्लम चलती है अजमेर में, तो अपने को पानी की टंकी लगाने की है मम्मी के लिए। तो मैंने भाई ये तो मकान थोड़ा पुराना है, जर्जर हो रहा है, एक बार अपन जाके देख लें भाई 300 लीटर की रखने लायक भी है कि नहीं है जगह। तो हम इसको देखने के लिए बस ये सीढ़ियाँ 10-12 सीढ़ियाँ ही हैं, छत आ जाती है, और ये पुराने मकान है, एक दूसरे छत कनेक्टेड है। हम जैसे ही देखने गए तो मैंने वहाँ देखा कि मेरी जो जीन्स जो मैंने मेरे कमरे में टांगी थी वो, और मेरी वाइफ का जो पर्स है लेडीज़ पर्स, ये दोनों हमें ऊपर पड़े हुए मिले। उनका पर्स खुला हुआ था, मैंने तुरंत जेब चेक करी, इसमें पैसे बिल्कुल गायब थे, पर जब हम बिल्कुल अक्के बक्के रह गए। हमने तत्काल प्रभाव से उन चीज़ों को वहीं रखते हुए और संबंधित जो रामगंज चौकी है इस पर हमने इन्फॉर्म किया, शिवराज जी करके पुलिस वाले हैं उनको इन्फॉर्म किया, टेलीफोन से भी किया, वैसे भी किया। और उसके बाद वो यहाँ आए, उन्होंने इनको देखा, सारा फ़ोटो वोटो खींचे, सारा जायज़ा लिया, और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा भाई आप रामगंज जा करके एक FIR दर्ज करा दो। तो हम वहाँ गए, वहाँ CI साहब से मिले, भोगा राम जी से और समुद्री जी से मिले, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, मैंने साहब ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है और मैं कोटा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, अब मेरी तो स्थिति बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो गई,
तो उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी उचित और आवश्यक करे वो। कितने पैसे दोनों के मिला थे आपको? लगभग 45,000 के लगभग थे सर। और कोई आइटम? बस सर और तो सब सेफ है सर, क्योंकि उसमें था ही नहीं ना पर्स। पर्स मेरा और वो लेडीज पर्स तो मिल गया, उसके अंदर जो पैसे थे एक छोटे पर्स के वो पैसे गए। ये मकान किसका है? ये हमारी जो सासू हैं उनका मकान है, ससुराल है मेरा, ये शकुंतला देवी शर्मा नाम। आप लोग कब आए थे? हम आए थे परसों सर। जगह कौन सी है? ये जोंसगंज चौड़ी गली।